Sambalpur University on Tuesday when students ransacked property inside the campus while protesting offline exams. Students of the varsity and affiliated colleges had launched the protest opposing the decision to conduct offline examinations amid worsening COVID-19 situation. The students have been demanding that the plus 3 examination should be held online for their safety. The protest turned ugly when the students tried to barge into the Vice Chancellor's office. In a bid to bring the situation under control, police resorted to mild lathi charge to disperse them. As many as 2 platoons of police force were deployed on the campus to avoid any untoward incident. जो है एक बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट एक घटना है जिसके अंदर कुछ लोग जो है एक बस के अंदर भर के आए और हमें नहीं मालूम पड़ा. हम तो अपने सभी अपने जितने हमारे ऑफिसर से अपने काम में व्यस्त थे. कोई 12 बजे का समय था कि इतनी जोर जोर से आवाज़ आने लगी जैसे कोई बंदूक या कोई गोलियां चल रही हैं या क्या हो रहा है. तो मैं भी अपने कमरे से बाहर निकल के आया. इससे पहले मेरे सारे ऑफिसर बाहर आ गए थे. हम ऊपर ही खड़े थे फर्स्ट फ्लोर पे. हमने देखा कि हमारी मेन एंट्रेंस जो है जिस पे अभी मैं खड़ा हूँ उसको वो तोड़ रहे हैं. मैंने उनको शांत करने की कोशिश की. उन्होंने कहा आपकी वाइस चांसलर. मैंने कहा हाँ. तो भागे भागे ऊपर आ गए. मैंने कहा क्या डिमांड है आपकी. उन्होंने कहा नहीं डिमांड हमारी कुछ नहीं. हमारी ये डिमांड है कि थर्ड सेमेस्टर के जो पेपर्स हैं ये ब्लेंडेड मोड में होने चाहिए. हमने कहा ठीक है आप अपनी डिमांड दे दीजिए पर तोड़फोड़ ना करिए. आप देखिए ये पढ़ने का एक संस्थान है. इसके अंदर इस तरह तोड़फोड़ करना कोई अच्छी बात नहीं है. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको खुद ही सोचना चाहिए. हमें आप हमारे साथ बैठेंगे तो सही ना. एक बार या आप उसे कहने नहीं, नहीं हम कुछ सुनना नहीं चाहते. नारेबाजी जोर जोर से चीखना चलाना और काले चश्मे उन्होंने पहन रखे थे. हाथ में झंडे ले रखे थे NSUIAISF. उन्होंने कहा हम कुछ नहीं सुनेंगे हम तोड़ फोड़ मचाएंगे. और जैसे होता है ना दादागिरी टाइप की उन्होंने वो करनी शुरू कर दी. हमारे एम्प्लॉयज गए उनको मैंने हैंडल करना शुरू कर दिया. हम FIR उनकी लॉन्च करा दी है और अब हम यही कोशिश करेंगे कि एक तो है प्रोटेक्शन के लिए ताकि फर्दर ये घटना ना हो तो एक बटालियन हम चाहेंगे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर रहे. और दूसरा ये है कि हमने कलेक्टर साहब से बात की है कि इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए. तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि मैं भी SP साहब को कहूँगा इसके ऊपर जो भी एक्शन हो वो मुझे मिनट टू मिनट इन्फॉर्म है. जो संबलपुर यूनिवर्सिटी अंडर रे पश्चिम ओडिशा रो हम जितेडा जिला अछि सबु जिल्ला रे जितेडा कॉलेज अछि सबु कॉलेज रो आज छात्र छात्री आसिक संबलपुर यूनिवर्सिटी सम्मुख रे एकत्रित होइतले. हमर मुख्य डिमांड एटा जे जो ऑनलाइन मोड रे हमर क्लास हेछि प्लस 3 थर्ड सेमेस्टर रो सेटा से यूनिवर्सिटी कर्तृपक्ष चाहतन जे आमे एग्जाम देबु ऑफलाइन मोड रे. एटा संभव न वर्तमान आमे देखु जा कोविड केउ भले भाबरे बढीबार चलछि. से परिस्थिति रे पिला माने दूर दूरांतर रो आसी कि एग्जाम सेंटर रे कि भले भाबरे पहुचिबे आ सुरुखुरु भाबरे एग्जाम हेबो ता त संक्रमण शिकार न हेबे ए गारंटीटा के देबो. सेही डिमांड को नेकि प्रथमे से माने तांको शेड्यूल काढीतले 19 तारीख एग्जाम करेबे ऑफलाइन मोड रे. तापरे काली राती से माने आउ गोटे शेड्यूल काढी देले कि 27 तारीख ऑफलाइन मोड रे. तो हमर मुख्य डिमांड एटा थिला कि आमे ऑनलाइन मोड रे एग्जाम करबा पई आसीलु. बीसी को आमे शांतिपूर्ण भाबरे आलोचना करबा पई आसीलु किंतु भिसिंग को निकट को आमे जेतले भेटबा पई गलु हमकु सेठा को प्रवेश कर दिया गला नै. तापर धस्ताधस्ती मध्य रे किछिटा टेबल बेंच भांगी गला. सेटा को केन्द्र करी बीसी आ एडमिनिस्ट्रेशन आमे उपरे पुलिस को अटैक करबा पहिले पिला माने इंजर्ड है कि वर्तमान हॉस्पिटल जाई सचंती. अच्छा, बहुत पिला वर्तमान ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी न्यूज़.